महिला एवं बाल विकास विभाग भिवानी के द्वारा भिवानी के बाल भवन परिसर में किशोरी मेले का आयोजन किया गया है। किशोरी मेले में मिस इंडिया मनिका शोकन ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। आपको बता दें कि किशोरी मेले में जिला प्रशासन से जुड़े अनेक विभागों के द्वारा स्टॉल व प्रदर्शनी लगाई गई, जिसके तहत महिला सशक्तिकरण को लेकर संदेश दिया गया। गौरतलब है कि महिला सशक्तिकरण व स्वावलंबीकरण को लेकर किशोरी मेले में सजाए गए स्टॉलों पर हरियाणवी पकवान भी देखने को मिले। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए मिस इंडिया मनिका ने कहा कि देश के अंदर महिलाएं आगे आ रही हैं। उन्होंने कहा कि पहले हरियाणा प्रदेश में लड़कियों को किसी भी फील्ड में आगे नहीं आने दिया जाता था। कन्या भ्रूण हत्या व दहेज प्रथा जैसी अनेक बुराइयां बढ़ी हुई थी, लेकिन हरियाणा प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जब से लगा है तब से बेटियां आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण व बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार भी बहुत मेहनत कर रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। वहीं देश व प्रदेश में महिलाओं के साथ बढ़ रहे अपराधों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इंसान इंसान बने हैवान नहीं, दूसरों की बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी की तरह देखे। वहीं उन्होंने कहा कि बेटियों को शिक्षा जरूरी है, शिक्षा के बल पर बहन बेटियों को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि सफलता का कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं है। फिल्मी दुनिया में जाने की बात पर बोलते हुए मनिका ने कहा कि अभी उनके कंधों पर काफी जिम्मेवारी है, इस बारे में अभी उन्होंने सोचा नहीं है, लेकिन जिंदगी है, अनुभव करना चाहिए, यदि ऑफर मिलता है तो मना भी नहीं करना चाहिए। जिला उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा लगातार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह कार्यक्रम 1 मार्च से शुरू किया गया था। जॉब्स के लिए और अपना अपना बिजनेस कर रही है, तो बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है यहाँ पे और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ। महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या मैसेज है? आजकल महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं कई प्रकार के। पहले हरियाणा का नाम कोई भी लेता था बहुत से यही सवाल पूछते थे, हरियाणा में लड़कियों की कंडीशन अच्छी नहीं है, खून हत्या है, उनको उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, उन्हें आगे नहीं जाने दिया जाता। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब यू नो हरियाणा बहुत आगे आ रहा है, अब हरियाणा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कैंपेन से जुड़ गया है और सरकार बहुत मेहनत कर रही है और आज आप यहाँ नतीजा देख भी सकते हो और तो बहुत आगे आ गई है। माध्यम से क्या अपील करोगे उसके लिए, क्या करेंगे किस सरकार के साथ? हर एक इंसान सिटीजन इंडिया के यही अपील करूंगी कि आप इंसान इंसान बने हैवान नहीं, और औरतें आपकी बहन माँ और बेटियाँ भी होती है तो उनको उस नज़र से देखिए। मैं बस यही कहूंगी आप पढ़ाई करिए क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, आपको कहीं भी लेके जाने के लिए आपको एक पढ़ाई करनी ज़रूरी होती है ताकि आप इतने स्टेबल होए और इतने जागरूक होए कि आपके आसपास क्या हो रहा है, और फिर सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, तो खूब मेहनत करिए और बस इंजॉय करिए ज़िंदगी को, एक ही बार मिलती है तो उसका पूरा लाभ उठाइए और बस आपको जहाँ जाना है पहुँच जाइए। आगे आपका क्या टारगेट है, क्योंकि मिस वर्ल्ड वगैरह अभी देश को ऐसा बाहर रिप्रेजेंट करना है तो सब लोग मुझे मनिका नहीं देखेंगे, इंडिया देखेंगे, तो बहुत ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे कंधों पर और मैं मेहनत करूंगी और अपने आप को एज इंडिया हर एक को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगी। सर इस प्रकार की प्लेटफॉर्म पर आने पर बाद में फिर बॉलीवुड जैसी दुनिया को अपना लेते हैं, आपकी क्या चॉइस रहेगी? अभी पता नहीं, उस बारे में सोचा नहीं है, पर अगर कुछ होगा तो आप लोगों को पता लगेगा। फिर भी दुनिया को अपनाएंगे अगर ऑफर आता? जिंदगी है, एक्सपीरियंस है, करना चाहिए, मना नहीं करना चाहिए, अगर आपको कुछ सामने से मिल रहा है तो आप क्यों मना करेंगे, क्यों करेंगे? आज की फिल्मी दुनिया को आप अगर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक परिवार बैठ के देख सकता था, क्या मैसेज है? ऐसा जमाने के हिसाब से चीजें बदलती है, कुछ चीजें हम अपने पेरेंट्स के साथ नहीं देख सकते पर कुछ है जो हम देख सकते हैं, तो आप वो देखिए और लाभ उठाइए। सर आज जो महिला सशक्तिकरण को लेकर जो कार्यक्रम, यह इंटरनेशनल वीमेन वीक बना जा रहा है, बेसिकली 1 मार्च से 5 मार्च तक है और 8 मार्च को फिर हम जो 30 महिलाएं जो बेटियां हैं उनको सम्मानित करेंगे 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेन वीक डे पर। तो यह रोनात गांव से जो शहीदी गांव है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अंदर रोहनाथ गांव का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है, वहां से इसकी शुरुआत की थी और आज 5 तारीख को मनिका शोकन जी जो मिस इंडिया है वो आज हमारे बीच में पहुंची हैं और जिला भिवानी की जो ग्रामीण अंचल में रहने वाली सेल्फ हेल्प की महिलाएं हैं और जो यहाँ की गवर्नमेंट स्कूल की जो बेटियाँ हैं उनका हौसला बढ़ाई करेंगी और सभी बच्चों ने जिस दौरान में जो
कॉन्फिडेंस के साथ जो इवेंट्स में भाग लिया है वो वास्तव में ये आगे आकर। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।